हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैजिक रेसिपी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गार्लिक ब्रेड की रेसिपी। यह एक लाइट स्नैक्स है जिसे कि आप झटपट से 2-3 मिनट में बना के रेडी कर सकते हैं और बच्चों को खुश कर सकते हैं। बच्चे इससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाने वाले हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और बनाना इतना आसान है कि आपको बिना बनाए रहा नहीं जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है इसे बनाने का। तो आइए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल की घंटी को भी दबा दीजिएगा जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर मैंने गार्लिक लिया है और गार्लिक को अच्छे से छील कर धोकर ले लिया है। तो अब इसे हम ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे इसे पीसना नहीं है, हमें ग्रेट ही करना है जिससे कि इसका बढ़िया टेस्ट आएगा। तो इस तरीके से एक एक करके इसे ग्रेट कर लेंगे या फिर चॉपर में डाल के आप इसे बारीक चॉप कर सकते हैं, लेकिन इसको पीसिएगा मत, यानी कि इसका हमें पेस्ट नहीं बनाना है। तो यहाँ पे इसे अच्छे से ग्रेट कर लिया है। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ गैस पर एक पैन चढ़ा लिया है और अब इसमें हम डालेंगे बटर। तो अच्छी मात्रा में हम बटर लेंगे, जितना आप बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप बटर ले लें। तो बटर को हल्की आंच पे मेल्ट करेंगे, नहीं तो बटर जलने लगता है। और जैसे ही बटर मेल्ट होगा इसमें हम गार्लिक डाल देंगे जो हमने ग्रेट करके रखा है। तो यहाँ पे गार्लिक डाल दिया है और गार्लिक डालने के बाद हम इसे बस कुछ देर पकाएंगे, यानी कि हमें ज़्यादा देर तक इसे नहीं पकाना है, बस कुछ सेकेंड इसे हमें पकाना है जिससे कि जो गार्लिक का कच्चापन होता है दूर हो जाए। तो बस ये गार्लिक जो हमारा है रेडी हो गया है। गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे ठंडा करके एक बॉयल में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे एक बॉयल में निकाल लिया है। तो अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच चिली फ्लेक्स और 1 चम्मच जितना आर्गेनो। इसी के साथ इसमें 1/4 चम्मच जितना काली मिर्च और 1/4 चम्मच जितना ही काला नमक डाल दिया है। और अब इसमें हम खूब सारी हरी धनिया की पत्ती डाल देंगे बारीक कटी हुई और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम ब्रेड को लेंगे और ब्रेड का जो किनारा है हम हटा लेंगे। चाकू से आसानी से हट जाता है, तो इस तरीके से देखने में थोड़ा अच्छा लगता है और बहुत लोगों को ये पसंद भी नहीं होता है। तो आप इसे हटा दीजिए और इसे भी हम फेंकेंगे नहीं, इसका हम ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं जिसे कि हम पकौड़ी वगैरह बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम ब्रेड को लेंगे और जिस पैन में हमने गार्लिक और बटर तैयार किया था उसी पैन में डाल के और एक साइड से हम सेक लेंगे। तो बस कुछ सेकंड लगते हैं ब्रेड को सेकने में और यहाँ देखिए कितना बढ़िया सा कलर आ गया है। तो इस तरीके से ही हमें सेकना है। 4 ब्रेड मैंने सेक के रेडी कर लिया है और अब इस पे हम जो गार्लिक और बटर का पेस्ट बना के रखा था उसको डाल देंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा हम इस पे फैला देंगे। अच्छे से किनारों तक फैलाएँगे जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और अब इस पे हम चीज़ लगा देंगे जिससे कि और भी ज़्यादा टेस्टी बन जाएगा। आप चाहे तो बिना चीज़ के भी इसे सेक सकते हैं, लेकिन चीज़ के साथ यदि सेकेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और बच्चों को तो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद होती है, बच्चे या बड़े सभी को पसंद आती है। तो अच्छे से इस पे चीज़ डाल दिया है और अब इसे हम सेकने ले चलते हैं। तो यहाँ पे उसी पैन में मैंने थोड़ा सा बटर डाल दिया है और जो ही बटर मेल्ट हुई उसमें हम ब्रेड को डालेंगे। इस तरीके से जितना आसानी से आ जाए हमारे पैन में उतना ब्रेड हम डाल लेंगे। तो एक साथ मैंने 3 इसमें डाल दिया है और कवर करके इसे सेकेंगे जिससे कि चीज़ जल्दी से मेल्ट हो जाएगी और गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम रखेंगे जिससे कि नीचे से ये ब्रेड जलेगा नहीं। तो 1.5 से 2 मिनट में ये चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए कितनी बढ़िया से ये मेल्ट हो गई है और जो हमारा
चीज़ गार्लिक ब्रेड है बनकर रेडी हो गया है। तो अब इसे हम पैन से निकाल लेंगे। इसी तरीके से सारा हम सेक के रेडी करेंगे। और अब इसके ऊपर से हम थोड़ा सा आरकेनो और चिली फ्लेक्स डाल के और इसे सर्व करेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। खाने में तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। जिसे भी आप सर्व करेंगे बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बच्चों को तो खास करके इसे आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल की घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।